अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजरीज वर्ल्ड। तो आज की वीडियो के तलबगार बहुत सारे लोग थे। बेसिकली आज की वीडियो है कि बच्चों में जो चिक्स निकले हैं इनके अंदर हम मेल और फीमेल का डिफरेंस कैसे निकालें। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। सबसे पहले अच्छा बेसिकली अभी मैं वहाँ पर गया था क्योंकि वो एक चिक निकला हुआ है और मेरी नज़र अभी उस पर पड़ी है, वो भी मेल निकला है। और अगर मैं आपको ऐसे ही देख के बताऊं तो इधर मेरी जो भी ये कॉलोनी बच्चे निकले हैं 6 में से 2 मेल हैं, जो कि बेकार नहीं, मतलब बेकार इन दैट सेंस कि मेरे किसी काम के नहीं, कॉलोनी में नहीं जाएंगे ये। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्वालिटी चिक्स जो हैं वो कॉलोनी में जाएंगे, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था इतने टाइम से। तो ये 2 मेल निकले हैं, बाकी 4 इसमें फीमेल निकली हैं। फीमेल में सिर्फ 1 फीमेल यहाँ पर काम की है और 1 मेल वो काम का निकला है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ जल्दी से। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ सोची है, वो ये कि यार मैंने अब से वीडियोस लंबी नहीं बनानी, वीडियो बनाऊँगा 3 मिनट की मुश्किल से, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी देखो। आई नो कि टाइम नहीं होता काफ़ी लोगों के पास, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो इस दफ़ा बच्चे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। मतलब एक पेयर जिसने 6 बच्चे निकाले थे उसने मेरा दिल इतनी अच्छी तरह से खुश नहीं किया, जिसमें से आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखें डिफरेंस दिखा देता हूँ क्लियर कट। एक तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और तो जी मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है, ये बच्चे अभी निकले हैं मेरे पास, अभी अभी हांडी से निकले हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी मुश्किल से 1 हफ्ते के बच्चे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस दिखाता हूँ कि मेल में डिफरेंस क्या है, फीमेल में डिफरेंस क्या है, और आपको पट्ठों में पता, मतलब 80% कैसे पता चलता है कि ये मेल निकले या फीमेल निकले। तो सबसे पहले इसको हम नीचे छोड़ते हैं। अच्छा देखो, जो आपके पास निकलेगी ना ये मेल निकलेगा, अगर आप मेल की शेड देखो, आपने बच्चों को बहुत लाइट हैंड से पकड़ना है, ज़्यादा ज़ोर से दबाओगे तो मोस्टली बच्चे मर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब आप इसे शेड देखें, इसको अगर आप शेड गौर से देखेंगे ना तो आपको ये शेड पिंक दिख रही है। अब इसके आपने नॉस्ट्रेल के पास से देखना है और इसके नॉस्ट्रेल से पक के पास से देखना है। 2 मिनट रुके जरा, ये बच्चे आप भी आओ और ये आप भी आ गए, ये देखें। अब आप इसके नॉस्ट्रेल के पास से इसको देखेंगे ना, अगर थोड़ा सा अगर ये फोकस हो रहा है, ये देखें इसके नोस्ट्रेल के पास ये पिंक पिंक है थोड़ा सा, कैमरे में शायद इतना अच्छा ना आ रहा हो लेकिन यहाँ पे जो है आपको पिंक पिंक दिखेगा। अगर ये चीज़ आपको पिंक पिंक दिख रही है तो इसका मतलब ये आपका मेल निकला है। अगर आप इसकी नोस्ट्रेल देखें, ये देखें नोस्ट्रेल इसकी पिंक है, मतलब ये होती है शेयर, ये होती है नोस्ट्रेल जहाँ से ये सांस लेता है। इसके आपने नीचे से देखना है, ये चीज़ आपको इसकी पिंक लगेगी। अगर ये चीज़ पिंक है तो ये फ्यूचर में जाके ब्लू हो जाएगी, ब्लू का मतलब ये आपका क्लियर कट मेल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम फीमेल को देखते हैं, फीमेल का डिफरेंस मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। फीमेल थोड़ी सी हमारे पास, मतलब बच्चे इस दफ़ा मेरे पास कोई अच्छे नहीं निकले अगर मैं आपको दिखाऊं सही तरह से, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, बच्चे तो हैं। ये देखें अभी फीमेल आपको क्लियर पता चलेगा बच्चों के अंदर के फीमेल का, ये देखें अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब अगर आप मार्केट में जा रहे हैं बच्चे खरीदने तो आपने इसकी शेयर देखनी है। शेयर देखने के बाद ये उसकी नोस्ट्रेल आ गई, नोस्ट्रेल के नीचे देखा, ये सारा व्हाइट दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस है, ये व्हाइट है वो पिंक है। अगर व्हाइट होगा फ्यूचर में जाके ये और ज़्यादा व्हाइट हो जाएगी और ब्राउन हो जाएगी, इसका मतलब ये फीमेल है। फीमेल और मेल क्लियर डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ये देखें, समझ रहे हैं आप। तो ये बच्चे मोस्टली हर किसी के पास निकल रहे होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा फोकस और मोबाइल कर जाए ना मज़ा आ रहा है, ये बच्चा फोकस कर, हाई होगा फोकस, ये देखें जी, देख रहे हैं क्लियर कट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये मेरे पास जो लेफ्ट हैंड पे ये मेल है, राइट हैंड पे फीमेल है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, 6 बच्चे मैंने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि अगर मैं आपको नॉर्मल बात बताऊं तो मेरे पास मोस्टली 4 फीमेल निकली हैं, 2 मेल निकले हैं, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। वीडियो जैसा कि मैंने कहा 3 से 4 मिनट की। देखते रहें बजरीज वर्ल्ड, अल्लाह हाफिज़।